मैं आप लोगों से बड़ा जोर देकर बोला और इस बात को मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विस की कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोग पुराने पेपर उठा के जरूर रखिए अपने पास, कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चंस पेपर। अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल के भी क्वेश्चंस पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, मुख्य परीक्षा के भी आपके क्वेश्चंस पेपर आपके हाथ में होना चाहिए और प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप लोग जैसे ही पेपर देखेंगे उसमें आपको मालूम चलेगा कि किस टॉपिक से कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैं बार बार आप लोगों से एक बात और दोहरा रहा हूं कि जितने भी आपके सूचकांक हैं उन्हें आप लोग याद रखिए, उनमें भारत की स्थिति क्या है उसे भी आप लोग याद रखिए और किन आधारों पर ये तैयार किया जाता है उसे भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि इनसे हर बार क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके। अभी आपने देखा है कि मानव विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया है। चलिए इसके बारे में हम लोग बड़े विस्तार से बात कर लेते हैं, भारत की भी बात कर लेंगे और आपके जो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हो, चाइना हो, फिर चाहे श्रीलंका हो, भूटान या म्यांमार, बांग्लादेश, इनकी स्थिति भी हम लोग देख लेंगे। और एक जो आपका यूएनडीपी है इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी दे दूंगा। वैसे याद रखिए आपके जितने भी संगठन है, फिर चाहे आपके राष्ट्रीय संगठन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, इन सबको हम लोग कवर कर चुके हैं और महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में डले हुए सभी। अगर कोई छूटा हो तो बताइए, उसे भी हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक एक बात और याद रखनी है आपको, कम से कम एक न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है। अगर हिंदी मीडियम से हम लोग तो दृष्टि आईएएस की मेन साइट भी आप लोग फॉलो करते रहिए, पीआईबी भी फॉलो करते रहिए और आप लोग धे आईएएस भी बढ़िया कंटेंट कभी कभी आपने देखा होगा कि आर्टिकल दे देता है, उसे भी फॉलो करिए। और राज्यसभा टीवी तो आप लोग फॉलो करते ही होंगे, एक पेपर आप देख सकते हैं, चाहे जनसत्ता की व्यवस्था है आपके पास तो जनसत्ता और वरना दैनिक जागरण भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। हाल ही में आपने देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे आप लोग यूएनडीपी भी कहते हैं, इसने मानव विकास सूचकांक जारी किया है जिसमें भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है, तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें अगर हम लोग, तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी और इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा न्यूयॉर्क में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में। और भारत की स्थिति 2020 में क्या रही है, 131वें स्थान पर रहा है। मानव विकास सूचकांक के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो भारत की स्थिति सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किए गए वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में भारत को 131वां स्थान मिला है। भारत पिछले साल की अपेक्षा 2 पायदान नीचे खिसक गया है, जबकि भारत की वर्ष 2018 के मानव विकास सूचकांक में रैंक 130 थी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, हम लोगों ने कोई अच्छा काम नहीं किया है कि हम लोग खुशी मनाने लग जाए। आप समझिए कि 189, एक क्लास में 189 बच्चे हैं, उसमें से हमारा नंबर क्या आया है, 131वां नंबर आया है। अगर मान लीजिए हम लोग ऊपर से टॉप कर रहे होते तब हम खुशी भी मना सकते थे, हमें अच्छा भी लगता, लेकिन हम लोगों ने नीचे से टॉप किया हुआ है। और आप देखेंगे कि 2018 में क्या था, ये था आपका 130वां स्थान। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार आपके पिछले साल के क्वेश्चन, मतलब पिछले साल में जो सूचकांक रहा है, भारत की स्थिति जो रही है, उसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेट पीसीएस में कई बार आपने देखा भी होगा। हालांकि यूएनडीपी इंडिया के प्रतिनिधि का कहना है कि भारत की रैंकिंग में गिरावट का यह अर्थ नहीं है कि भारत ने अच्छा नहीं किया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अन्य देशों से बेहतर किया है। उन्होंने भारत द्वारा कारण उत्सर्जन कम करने के प्रयासों की भी सराहना की है। वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर 2018 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6,829 अमेरिकी डॉलर थी, जो 2019 में गिरकर ये 6,681 डॉलर हो गई है। और याद रखिए अभी 2020 के आंकड़े मालूम नहीं चले हैं, वरना इसमें और गिरावट देखी गई होगी। आपने देखा है महामारी ने किस तरह से कहर ढाया हुआ है, कई लोगों की नौकरी चली गई है, आपने देखा है किस तरह से इनकम पर उनके असर पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2019 में भारतीयों
कि जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष थी। और याद रहे कि सूचकांक के माध्यम से यूएनडीपी किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर का मापन करता है। एक तरह से कहने का मतलब है कि इन्हीं आधारों पर इस सूचकांक को तैयार किया जाता है, उस देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और जीवन के स्तर पर। और देखिए, औसत जीवन प्रत्याशा औसत निकाली जाती है। अब आप में से कई लोग कहते होंगे कि वो कोई 112 साल जी जाता है, कोई 120 साल जी जाता है, कोई 15 साल में खत्म हो जाता है, कोई 20 साल में खत्म हो जाता है। तो क्या किया जाता है कि सबका कॉमन निकाला जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप समझिए कि एक पांच लड़के खड़े हुए हैं, पांच बच्चे, कोई भी, उनकी हाइट अगर आपको कॉमन निकालना है तो हो सकता है कि एक ऊंचा हो जिसकी ऊंचाई ऊंची हो, एक छोटा हो कद में, तो उसका क्या किया जाएगा कि एक पांचों का कॉमन ले लिया जाएगा। समझ रहे हैं? टोटल में से पांच का आप भाग दे देंगे, एक कॉमन निकल आएगी कि सबकी कॉमन इस तरह से है। ठीक है। वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में भारत की HDI वैल्यू 0.645 है। कितनी? 0.645। फिर भी आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन इस तरह के पॉइंट कभी मुश्किल से आते हैं। ठीक है, इस तरह नहीं पूछते। अन्य देशों की स्थिति की अगर बात करें हम लोग, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई 2020 के मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर रहा, उसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड का स्थान रहा है। एक बार मैप पर चलते हैं हम लोग। एक बात और आपको बताऊंगा कि देखिए, जितने भी अभी तक आप सूचकांक देखते होंगे, खुशहाली का सूचकांक हो, फिर चाहे आपका लोकतंत्र का सूचकांक हो, मीडिया की बात, फिर स्वतंत्रता की बात हो, या आपका सोचिए खुशहाली का सूचकांक हो, उसमें यही आपको फिनलैंड हो, स्वीडन हो या नॉर्वे हो, यही देश आपको देखने को मिलेंगे। कौन से? देखिए, ये है आपका नॉर्वे, ये स्वीडन, स्वीडन, ये फिनलैंड। इन्हीं देशों में आपको देखने को मिलेगा कि अच्छी स्थिति है। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, आप सोचिए, एक परिवार को ले लीजिए, आप लोग देशों को छोड़िए, एक परिवार में आप खुश कब रह सकते हैं? जब आपको बोलने की स्वतंत्रता हो, आप जो बोल रहे हैं उसका महत्व होना चाहिए, आपके सम्मान की बात होनी चाहिए, आप कहाँ जा रहे हैं इस पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? आपको शिक्षा की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था बेहतर होना चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर होना चाहिए। तब आप लोग क्या करेंगे? तब अपने आप इस सूचकांक जो भी होते हैं ऊपर उठ जाते हैं। क्या अफगानिस्तान के बारे में आप लोग या पाकिस्तान के बारे में सोच सकते हैं, जहां बोलने की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता हो? और हमारे देश में ये सुविधाएं काफी वंचित, मतलब एक पिछड़े रह गए, इसलिए हमारा भी सूचकांक में निचला स्तर रहता है। ठीक है, कभी इस तरह के सूचकांक अगर आते हैं कि किन आधारों पर तैयार किए जाते हैं, मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक किन आधार पर तैयार की जाती है, तो आप लोग कॉमन सोच लिया करिएगा कि किन आधारों पर तैयार किया जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से कि अगर कितने भी आप लोग टॉपिक पढ़ लीजिए, कितने भी विस्तार से पढ़ लीजिए, अगर आप पर कभी आपको किसानों पर कोई एक तरह से ऐसे मतलब निबंध लिखने के लिए आ जाए या क्वेश्चंस लिखने के लिए आ जाए मुख्य परीक्षा में, या फिर आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति पर लिखने के लिए आ जाए, या फिर पिछड़े लोगों की स्थिति पर लिखने के लिए आ जाए, तो मुझे लगता है कि आप अगर उस स्थिति को समझते होंगे, उसे मतलब उसमें अपने आप को रख के देखा होगा आपने, तो आप बेहतर आंसर लिख पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? और याद रखिए, कोई मुझे नहीं लगता है कि 10th 12th का एग्जाम है कि वहां आपने एक बुक्स रहती थी, उसमें से आपने रट लिए और वही क्वेश्चन आए, आप टीप के चले आए। समझ रहे हैं आप लोग? यहां तो आपको अपनी सोच पर काम करना है, आपकी खुद सोच होनी चाहिए, ना ही आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि कॉन्स्टेबल आपको बन जाएंगे और कहीं बोल दिया कि डंडे भांजिए, आपने भांजना शुरू कर दिया। हर परिस्थिति में आपको अपने हिसाब से निर्णय लेना होगा कि कौन सी परिस्थिति में किस तरह से निर्णय लें, कहां बैलेंस बनाया जाए। समझ रहे हैं आप लोग? पूरा पेपर फोर आपका इसी पर आधारित है। मुझे लगता है कि आप कुछ हो जिंदगी में ना हो, लेकिन अच्छा इंसान जरूर बना देगा अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो। ठीक है, और इसमें वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 129वें स्थान पर आए, बांग्लादेश 133वें स्थान पर आए, नेपाल 142वें स्थान पर आए, पाकिस्तान 154वें स्थान पर आए। तो याद रखना है, सबसे पहले है नॉर्वे का स्थान, ठीक है, ऊपर नॉर्वे, और अगर हम अपने बांग्ला
पड़ोसी बांग्लादेश की बात, ये है बांग्लादेश, ठीक है, भूटान ये है, और चीन और पाकिस्तान ये है, अफगानिस्तान ये है, म्यांमार, नेपाल ये है, और श्रीलंका ये है, ठीक है। तो इसमें आपका बांग्लादेश कितने पर है, 133वें स्थान पर, यानी कि हमसे नीचे है। नेपाल की बात करें तो वो और नीचे हमसे, 142वें स्थान पर। पाकिस्तान की बात करें तो 154वें स्थान पर है। लेकिन भूटान, आप समझ रहे हैं कि छोटा सा देश है भूटान, यहाँ इसकी स्थिति हमसे बेहतर है, 129वें स्थान पर है, ठीक है। फिर आप देखेंगे नई मैट्रिक का प्रयोग, प्लेनेटरी फेस प्रेशर, फेस प्रेशर एडजस्टेड HDI, ये क्या है इसे भी देखते हैं। 2020 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और उसके मटेरियल फुटप्रिंट के कारण होने वाले प्रभावों को दर्शाने के लिए एक नई मैट्रिक की शुरुआत की है। यह वस्तुओं को बनाने के लिए और सेवाओं का उपभोग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन, धातुओं और अन्य संसाधनों की मात्रा को भी मापता है। आप लोगों में कई ने कहा था कि एक समय आपने देखा था कि प्लास्टिक की बात कर रहे थे हम लोग, तो हम अपने मतलब पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, आदमी अपने मतलब औसत अपने वजन के मतलब एक समझिए कि वजन के बराबर प्लास्टिक उपयोग कर लेता है एक साल में। वो तो कई में आप लोगों में से कई लोगों ने कहा कि सर मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं तो इस तरह कम करता हूं। तो याद रखिए दुनिया को देखा जा रहा है, वहां पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए औसत निकाला जा रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप 1 किलो कर रहे हैं, लेकिन आपका पड़ोसी है वो आप सोचिए 50 किलो कर रहा है, तो उसका भी आपके में जोड़ा जाएगा जब औसत निकाला जाएगा, ठीक है। UNDP इंडिया के प्रतिनिधि का कहना है कि मानव प्रगति का कम आकर्षक लेकिन स्पष्ट मूल्यांकन है। UNDP के मुताबिक अगर इस नई मैट्रिक को शामिल करते हुए भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक में 8 पायदान ऊपर पहुंच जाएगा। और इस नई मैट्रिक को शामिल करते हुए प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI या फिर PHDI नाम दिया गया है। अब बात करते हैं क्या है आखिर ये मानव विकास सूचकांक, जिसकी बात इतने टाइम से जिस पर हम लोग लगे हुए हैं। मानव विकास सूचकांक को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, तो ये हर साल जारी की जाती है। और इस सूचकांक में अभी तक विभिन्न देशों की स्थिति निम्नलिखित 3 प्रमुख बुनियादी आयामों पर आकलित की जाती है। आपका इस तरह का क्वेश्चन या तो स्टेट PCS में या सिविल सर्विस में सामान्यता पूछ लेता है कि जो आपका मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है ये किन आधारों पर तैयार किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे जीवन प्रत्याशा, ज्ञान तक पहुंच और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जाता है। याद रहे कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक द्वारा किया गया था। इस अवधारणा का बाद में 90 के दशक में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त सेन द्वारा समर्थन किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार वनडे एग्जाम में भी पूछ लिया गया है कि पहली बार मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी थी, तो ये थे महमूद उल हक द्वारा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इस अवधारणा को अपनाया तथा तो पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक पहली बार 1990 में जारी किया गया था। कौन जारी करता है और भारत की स्थिति क्या है, हमारे पड़ोसियों की स्थिति क्या रही है, टॉप पर कौन है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जाता है और कौन जारी करता है, इन सब को हम लोग देख चुके हैं और यही पॉइंट है जो पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, तो आप लोगों को याद रखना, ठीक है।